हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस ट्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको LG के स्मार्ट टीवी के रिमोट के फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो ये मॉडल नंबर है LG स्मार्ट टीवी LQ6360, 32 इंच की टीवी का। तो इस तरीके का रिमोट दिखता है ये। तो हम शुरू से देख लेते हैं, ये है पावर ऑन ऑफ का बटन। तो यहाँ से पावर ऑन ऑफ होता है। और ये जो बटन्स आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये नंबर्स जो देख रहे हैं आपको न्यूमेरिक 1 to 0, इसमें आप DTH या डिश टीवी पेयर करते हैं तो इस नंबर से आप चैनल्स चेंज कर सकते हैं और इस बटन से चैनल्स को अप डाउन कर सकते हैं। यह है गाइड का बटन, इसमें हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा गाइड पे क्लिक करने पे। और किसी भी फंक्शन को हम प्रेस करके उसको बैक करना चाहते हैं तो ये बटन है बैक करने का, या हमें होम पे जाना है तो ये होम बटन है, उसे प्रेस कर देंगे बिल्कुल होम पे आ जाएगा इस तरीके से। ये है म्यूट अनम्यूट करने के लिए, यहाँ पे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आ जाता है। और ये है वॉल्यूम अप डाउन का बटन, इससे वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगा। और ये बटन जो आप देख रहे हैं माइक जैसा बना हुआ है, ये है LG थिंक यू वॉइस कमांड, इसे प्रेस करके आप वॉइस कमांड कर सकते हैं जैसे गूगल असिस्टेंट होता है। और ये बटन जो आप देख रहे हैं, इससे अगर आप कोई भी, इसमें आप USB डिवाइस या कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं इस टीवी से तो इसको शो करेगा ये। और ये जो आप सर्कल बटन देख रहे हैं, ये है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, ये राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट अप डाउन ये हो सकता है। और जिस पे भी आप सेलेक्ट करेंगे उस और सेंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा या आपके सामने आ जाएगा। और ये है सेटिंग का बटन, इसे प्रेस करते ही सेटिंग ऑप्शन सामने आ जाएगा आपके। और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दे रखे हैं जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, मूवीज़, एलेक्सा और ये गूगल असिस्टेंट। तो शॉर्टकट अगर आप प्रेस करते हैं तो जो शॉर्टकट लिखा हुआ है नाम वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ से जैसे नेटफ्लिक्स ओपन किया मैंने, यहाँ पे हो गया नेटफ्लिक्स ओपन। और यहाँ पे ये जो सेंटर में आप ये देख रहे हैं जैसे माउस में स्क्रोलिंग बटन होता है ना, तो उस तरीके से यहाँ पे आप स्क्रोल कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे। तो एक तरीके का रिमोट भी है और ये माउस भी है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे अभी देखेंगे, ये कर्सर आपको दिख रहा होगा, कर्सर आप जहाँ भी रखें, जैसे आप रिमोट मूव करेंगे उस तरीके से कर्सर मूव होगा माउस की तरह। जहाँ पे आपने रुक के सिलेक्ट करना है उस स्क्रोलिंग बटन को प्रेस कर दोगे आप, वो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये था ओवरऑल फंक्शन LG स्मार्ट टीवी LQ6360 के फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।